न्यूज में आपका स्वागत है, जहां एल्मो और उसके रिपोर्टर दोस्त अपने आसपास हो रही बातों की खबरें देते हैं। आज दुनिया के सारे बच्चे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। बड़ी भावनाएं हो तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे जब एल्मो का टावर गिर गया था तो एल्मो बहुत उदास महसूस कर रहा था, और जब एल्मो को नए दोस्त बनाने में घबराहट हुई। बड़ी फीलिंग्स हो तो मेडिटेट करने के बहुत तरीके हैं। चलो देखते हैं रिपोर्टर ग्रोवर की खास रिपोर्ट। रिपोर्टर ग्रोवर, तुम्हारी रिपोर्ट का टाइम हो गया। धन्यवाद रिपोर्टर एल्मो। बहुत गुस्सा आ रहा है, सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने बरसाती पहन ली है जी, और अब देखो बारिश बंद हो गई है और अब ये रेनकोट उतर ही नहीं रहा, इसकी जिप फंस गई है। क्या रिपोर्टर एल्मो मदद करे? थैंक यू एल्मो, पर हम शो जारी रखते हैं। हेलो, मैं हूँ आपका प्यारा नीला रिपोर्टर ग्रोवर, और मेरे साथ ये एक मॉन्स्टर जिसका नाम है मेरा नाम रिपली है। साथ में रिपली, हाँ, जो आज हम सबको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, हाय ग्रोवर। मैं रिपली। मेडिटेशन एक तरह की कसरत है। मेडिटेशन मुझे शांत और ध्यान से सोच पाने में मदद करती है। शांत होना, अच्छा। मेडिटेट करने के बहुत तरीके हैं, पर मुझे खुद को गले लगाना सबसे अच्छा लगता है। ट्राई करोगे? खुद को हगान को हग, पहले गहरी लंबी सांसें लो, फिर खुद को अपनी बाहों में पकड़ो, ऐसे। कैसा लगा ग्रोवर? ग्रोवर, तुम ठीक हो? ग्रोवर, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? अरे बढ़िया आइडिया है जी, लेकिन तब तक देखते हैं हमारे दोस्त जो दुनिया भर में शांत होने के लिए कैसे मेडिटेट करते हैं। हम खुद को शांत और बेहतर महसूस करने के लिए मेडिटेशन के कई तरीके हैं, जैसे वॉक पे जाने से या कसरत करने से आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग मेडिटेशन के अच्छे तरीके हैं। अपने मन से कुछ भी बनाना भी अच्छा महसूस कराता है। ये फैमिली सोने से पहले साथ मिलकर कहानी पढ़ रही है। कहानियाँ सुनने पढ़ने से बड़ी फीलिंग शांत हो सकती है। ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है मेडिटेट करने का। हाँ बिल्कुल। रिपली अब मुझे एक सांस लेने वाली एक्सरसाइज सिखाएगा जो मुझे शांत होने में मदद करेगा, शायद तब ये जिप भी खुल जाए, क्या कहते हो? क्यों? हाँ। अच्छा आइडिया है, थैंक यू रिपोर्टर ग्रोवर। एल्मो और एल्मो की मम्मी भी गहरी सांसें लेते हैं जब बड़ी भावनाएं महसूस करते हैं। न्यू शो का टाइम हो गया। एल्मो सबको गहरी लंबी सांस लेकर दिखाना चाहता है। मम्मी बिजी है। अरे नहीं, मैंने अभी अभी अपने लिए टाइम निकाल कर मेडिटेशन किया है। चलो शुरू करें। पहले अपने पेट पर हाथ रखो। अच्छा। अब धीरे से नाक से लंबी सांस खींचो और धीरे से मुंह से सांस निकालो। तो ये है पेट वाली सांस। थैंक यू मम्मी। पता है एल्मो को पेट वाली सांस के बाद क्या पसंद है? वो क्या एल्मो? एक चप्पी। मेरे पास आओ। एक मिनट रुको। एक ब्रेकिंग न्यूज है, ग्रोवर के पास नई खबर, चलो पूछते हैं उससे। हाँ जी रिपोर्टर एल्मो, ये मॉन्स्टर जिसका एक नाम है ओजी रिपली, इसने पेट से सांस लेना सिखाया और अब मैं काफी शांत महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम जिप खोलने के लिए तैयार हो? हाँ जी। ठीक है। हो गया। मैं अपना रेनकोट उतार सकता हूँ। ओए ओए, लगता है रेनकोट फिर से पहनना होगा। अब ये जिप भी नहीं लग रही। ओ जी शुक्रिया। तो ये है आज की खास रिपोर्ट, अब तुम बोलो एल्मो। थैंक यू रिपोर्टर ग्रोवर, बारिश से बच के रहना। वाओ, आज एल्मो ने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ जाना। देखते रहिए एल्मो के साथ वर्ल्ड न्यूज। बाय, जल्दी मिलेंगे।